एकदम सीबीआई बहुत प्रोफेशनल एजेंसी है, समय लग सकता है लेकिन बेनकाब होंगे, बहुत बड़े बड़े सीबीआई पे आपको 100%। तब तो मुंबई पुलिस को सारे डॉक्यूमेंट्स और सीसीटीवी पड़ेगा, उनको मना नहीं कर सकते, देना पड़ेगा। डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, पटना पुलिस लगातार कोशिश कर रही है वहां पे जांच करें लेकिन कर नहीं पा रही। नहीं कर पा रही इसलिए कि करने नहीं दिया जा रहा है। वहां ऐलान करके सीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया, हम आपको काम नहीं करने देंगे, आपको जांच नहीं करने देंगे, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे, ऐलान कर दिया तो बेकार है। हमारे अफसर जाते हैं उनको क्वारंटीन कर देते हैं, बाकी चार आदमी गए हुए हैं उनसे कोई बात ही नहीं करता है, तो काम नहीं करने दे रहे हैं। बात सही है, हम नहीं काम कर पा रहे हैं। चार पुलिस वाले काम कर रहे हैं अभी दो दिन नहीं कर रहे हैं, घर में डर से निकल नहीं रहे हैं, जब से आईपीएस सबको क्वारंटीन किया गया है निकल भी नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जांच आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ पाएगी, बिना मुंबई पुलिस के सहयोग के बिहार पुलिस कैसे कर पाएगी? आप बताइए, उन्होंने ऐलान कर दिया आपके साथ हम काम आपको करने नहीं देंगे, हमको जो करना होगा करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। आप कौन होते हैं? डीजीपी महाराष्ट्र साहब की बात हुई? नहीं बात हुई जी, बहुत कोशिश की, नहीं बात हुई। एसएमएस का रिस्पॉन्स साहब नहीं किए और साहब ने हमको फ़ोन भी नहीं किया। गृह सचिव भी गृह सचिव से बात करना चाहे तो बात नहीं हुई जी, कम्युनिकेशन तो पूरी तरह से ठप है। इस तरह के नॉन कोऑपरेशन क्यों? ऐसा होता नहीं है जी, आज तक सुना नहीं, 33 साल की नौकरी में आज तक नहीं सुना। कोई व्यक्तिगत झगड़ा थोड़ी है, कोई व्यक्तिगत विरोध थोड़ी है, वहाँ के डीजीपी से हमारे डीजी के बीच में कोई व्यक्तिगत हम लोगों का मामला थोड़ी है, वहाँ के गृह सचिव यहाँ के गृह सचिव के बीच में कोई व्यक्तिगत मामला थोड़ी है। एसीएस होम बात करना चाहते थे, एसीएस होम से नहीं बात हुई जी, हम दोनों आदमी थक गए। ऐसे में सेंट्रल एजेंसी को सौंपने की बात आ रही है सीबीआई को, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि अगर हमारे के सिंह जी जो पीड़ित के पिता हैं वो अगर चाहेंगे हमसे अनुरोध करेंगे तो हम सीबीआई को देने में कोई हमको एतराज नहीं। मुझे अभी आप ही लोगों से पता चला है कि संभवतः उनके मुख्यमंत्री से बात हुई है, चला जाए सीबीआई केस, कोई दिक्कत नहीं, हम सहयोग करेंगे। आपको परेशानी तो नहीं होगी? पटना पुलिस तो हम सहयोग करें। हम फेयर प्रोब होगा सीबीआई के द्वारा? एकदम, सीबीआई बहुत प्रोफेशनल एजेंसी है, समय लग सकता है लेकिन बेनकाब होंगे, बहुत बड़े आपको सीबीआई पे आपको 100%। तब तो मुंबई पुलिस को सारे डॉक्यूमेंट्स और सीसीटीवी पड़ेगा, उनको मना नहीं कर सकते, देना पड़ेगा। चलिए, तो बिहार के डीजीपी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीबीआई को जो पूरा मामला सौंपा गया है उससे उन्हें कोई परहेज नहीं है, पटना पुलिस जो है सारी जो जांच में है, पटना पुलिस सीबीआई को जो है वो सहयोग करेगी। रोहित सिंह, पटना आज तक।